तो वर्तमान हमें इंटीग्रेशन रो आ गोटे नेक्स्ट चैप्टर को जीवा फर्स्ट तो पढ़ले नॉर्मल फार्मूला थिला स्टैंडर्ड फार्मूला देन सेकंड चैप्टर पढ़ला हम कोन सब्स्टिट्यूशन एबे भी सब्स्टिट्यूशन रे ये होची आ गोटे पार्ट बट एटा हम केमिति सब्स्टिट्यूशन करिबा ना ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करिबा तो यार मते किछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट अछि जैसे पर्टिकुलर फॉर्मेट को लेके हमको पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके हमें पुनी ताकु स्टैंडर्ड जो फार्मूला में जानी छे से फार्मूला को कन्वर्ट करके हमें आंसर बाहर करिबा ओके तो नेक्स्ट देखो सो नेक्स्ट देखो वर्तमान इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो ए सब्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़िया पूर्व ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़िया पूर्व हमको किसी फार्मूला जानिया दरकार ना हमें जानी छे फार्मूला मेन फार्मूला कोन हमरो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यस तो एटा हम लिख परे वर्तमान कोन लिख परबा ना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड आल्सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये सब नो सो नेक्स्ट आई कैन राइट ये तो साइन ऑफ कॉस इज रिलेशन ना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा ओके सो एटा को पुनी लिख पाले हमें और दे ना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा ये सब नो तो वर्तमान एक में हमें और रिलेशन काढ़ी पाए बात कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा तो एक हम लिखी पाए जब हम वर्तमान ना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ये सब नो अगेन आई कैन राइट हियर cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा ये सब नो तो एति की फार्मूला तुमको निहाति मन रखना दरकार त जो भी 1 cos tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा और 1 cos cot स्क्वायर थीटा cos x स्क्वायर थीटा ए एक हम बाहर करी परिवार sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा एंड cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हाउ मच cot स्क्वायर थीटा सो नेक्स्ट हम तो देखो टाइप यदि हमें टाइप 1 देखु छी जदि भी तुम कोटि इंटीग्रेशन करू छ तुमको मिलला पोस्ट एंगल ना a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ओवर ओके तो एमिति स्टाइल रो इंटीग्रेशन करबा पाई हमको कोन करे को पड़िबो जे तुम पाइलो s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर फार्मूला छी तो सेट तुम पुट कोन नो ना ए देखो ए धन तुम कांस्टेंट ये सब नो ना ए हम तुम एनी कांस्टेंट माइनस दिस इज अ वेरिएबल ओके तो ए फार्मूला दिले हमें जानु छु एटा को फार्मूला छि वर्तमान पढिला हम कोन ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाउ मच ना sin स्क्वायर थीटा तो ए फार्मूला हम ता कन्वर्ट करै पडिबो एटी ए अछि बट हमें फार्मूला जानु छु कोन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो ए ए जगह हम कन्वर्ट करै पडिबो कोन 1 एंड एक्स स्क्वायर कन्वर्ट करै पडो को sin स्क्वायर थीटा किंबा cos स्क्वायर थीटा तो हमको मिलि जो ना एटू बिकॉज़ यू नो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा व्हाट cos स्क्वायर थीटा देन हम काम करू छी पुट x इक्वल टू a sin थीटा ओके और x इक्वल टू a cos थीटा को हम पुट करि पाइबो किछ असुविधा नै क्लियर तो एमिति क्वेश्चन जतल थिबो तो सामना रे तुम कोन करिवो x जगह a sin थीटा पुट करिवो और a cos थीटा जो डा पुट करले तुम आराम से सॉल्व करि पाइबो ओके द नेक्स्ट इन द टाइप 2 जो भी तुम्हें पाइबो मन करो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओके सो तुम यदि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टर्म पाउ छ एमिति टर्म पाउ छ तो अगेन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हम कोन जानी छे ना हमें जानी छे कोन ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा एबे ना बाहर तो छे ना तो अगेन एटी x अछि
এটি a আছে a দ্বারা কিন্তু 1 নাহি তোমার কিন্তু আমরা ফর্মুলা জানতে পারো 1 cos tan θ sec θ তাই যখন কোন করিবি এই a টা কোনতে কনভার্ট করলে কি হচ্ছে 1 রে এন্ড x টা কনভার্ট করলে আসে tan কিংবা cos তো এমনিতে যে ক্রস ফর্ম থিব x কা cos x আমরা কোন করিবা না পুট x a tan θ অর a cos θ ওকে एंड टाइप 3 यदि तुम पाओ तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओके तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जब तुमको मिलला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फार्मूला होची ऑटोमेट एकदम बॉक्स पर ही होची या पूर्वता में लिखी छे ओके यदि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलला हमको कौन प्रूफ करें पड़ेगा ना देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फार्मूला में जानी छे नाम स्टैंडर्ड फार्मूला जानि छे कोन नै या फुटबॉल को पहिले कोन स्टैंडर्ड फार्मूला ना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हे सब नो एकेने पाइबा कोन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा देखिला बर्तमान ई जो फॉर्म रे अछि बर्तमान एई फॉर्म ता का अनुसार अछि एई अनुसार हम ट्रांसफर करि परिबा तमे एही फॉर्म टाको हमें ए स्टैंडर्ड को ट्रांसफर करिबा तो x दर कोन होतो का हमरो sec स्क्वायर थीटा एंड x sec स्क्वायर थीटा जो a अछि एटी कोन से हमर 1 अछि तो ए a टाको कन्वर्ट कर अछि तो थिरे 1 रे कन्वर्ट कर अछि तो ए कैसे तुम पुट कर लबो ना पुटिंग कोन करिबो ना पुट x इक्वल टू a sec थीटा और a cosec theta ओके सो टाइप 1 रे तमन पुट करिवो ए टर्म ता टाइप 2 रे जदि तमन देखिलो ए टर्म ना को पुट करिवो x जगह रे एंड टाइप 3 रे ए टाइप रो क्वेश्चन देखिलो तमे पुट x इक्वल व्हाट a sec theta और a cosec theta तो ये उसे तो मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए तीन का फॉर्मूला कुछ भलो से लक्ष्य करिवो ए फॉर्मूला कुछ भलो से मन लो तले तमे ए तीनटा टाइप ऑफ क्वेश्चन को तमे आराम से सॉल्व करि पाजो एमे देखिलो जोठी तमे फटाफट पुट करबो ए जगह केते सॉरी एक्स जगह रे ए sin थीटा और ए cos थीटा ठीक से ते एक्स देखिलो तमे प्लस फॉर्म रखी x cos x² तब पुट करबो x इक्वल टू केते ए tan थीटा और ए cos थीटा कि मैं भी पुट करबो ए फॉर्म में पुट करबो x इक्वल टू a sec थीटा और a cos थीटा ओके तो देखो समस्त ए टाइप का क्वेश्चन का हम किमिति अटेम्प्ट करिवा ना ये देखो को फॉर्म रछि ना को फॉर्म रछि ना आमे जानि छे dx / 1 minus x का रूट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज द वेरी सिंपल sin इनवर्स x प्लस कांस्टेंट बट एटा अब यार मुझे किसी फर्क पे नहीं बोल छो एटी जी 1 1 minus x स्क्वायर रियल ए ए जी कांस्टेंट यदि जी 1 खाता देन वी कैन इजीली अप्लाई दिस कांसेप्ट ए फार्मूला में अप्लाई करि पारि थांते बट जेहेतु इ ए अछि एंड या पूर्व रो तुम कहै छि ए इंटी का फॉर्म रे ए जगह x जगह रे x जगह सॉरी x जगह हम कोन पुट करिबा ना a sin थीटा पुट x इक्वल टू a sin थीटा तो जेतो भी तुम एक फॉर्म में देखियो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तुम फॉर्म पुट करियो ना पुट x इक्वल टू a sin थीटा ओके सर देखो वर्तमान मुझे डेरिवेटिव नहीं विद रिस्पेक्ट टू थीटा बिकॉज़ x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा सो dx / d थीटा a इज अ कांस्टेंट sin थीटा डेरिवेटिव होती cos थीटा सो dx इक्वल टू हाउ मच a cos थीटा इनटू d थीटा अब एटा मैं पुट कर देबी कितने पाई भी ना dx dx जाके तो पुट करियो रे a cos थीटा इनटू d थीटा डिवाइड बाय अगेन a का स्क्वायर था माइनस x जाके तो पुट करियो a sin थीटा रो होल स्क्वायर एटे देखो अपने a जो हम कौन पाई परिबा ना sin थीटा इक्वल टू x बाय a implies that theta equal to sin inverse x by a okay so bata dekho a
cos theta itu common juga ki x square 1 minus ikatnya juga sin square theta oke root over 3 ini dorkar nahi clear the next routine a cos theta into d theta a cos theta into d theta so divide by a square bahar ko upar s ko lete hai wo a and bhitar kitna rahega 1 minus sin square theta is nothing but what cos square theta so next step hoti kya hona na a cos theta d theta divide by a cos square theta root over kitne cos theta so this is cancel finally we will get d theta and d theta is nothing but what theta plus constant and theta is what sin inverse x by a plus constant okay so this is your formula to bartan dekho eta is the standard formula am compare jodi kariba e ho jemo standard formula kon tha jethro 1 thila tum kete put korthilo na sin inverse x plus constant ये भी सेम बस हमको कौन करिया लछि ना 1 जगह जति कि थिबो ए रो वैल्यू जति कि थिबो 1 अदि 1 जगह ए रो वैल्यू जति कि थिबो हम सेम फार्मूला लिखिबा sin इनवर्स x फिर डिवाइड कर दो केते ना sin इनवर्स x / a ए रो वैल्यू जति कि बस sin इनवर्स x / a प्लस कांस्टेंट ओके सो फाइनली हम कौन फार्मूला पाइले ना dx by a square minus x square root over equal to sin inverse x by a plus constant तो यहाँ को best करी कि बोलता हूँ क्वेश्चन ने दो चीज देखो कैसे टाइम अटेंड करेगा ना dx by 25 minus 16 x square देखिए लोग एक क्वेश्चन की a फॉर्म अच्छी की नहीं हम तो चेक करेंगे पड़ेगा ना एटी अच्छी x स्क्वायर एटी अच्छी x स्क्वायर करेक्ट बस 16 मल्टीप्लाई लीजिए हमको 16 जो हटाई वाले सी यस एंड नो नेक्स्ट अच्छी a स्क्वायर एटी a स्क्वायर हां 25 कहां स्क्वायर 5 स्क्वायर कि जो 16 x स्क्वायर अच्छी वो कौन कर गया या को सिंगल वेरिएबल को कन्वर्ट कर दो जी ओके तब dx y वो लिखी पर बेटा को 5 स्क्वायर माइनस दिस इज 4x स्क्वायर यस एंड नो तो वर्तमान मते a मिलिबा केते 5x x ए पर जो मिलिनि बिकॉज 4x का स्क्वायर अछि यस ना 4x का स्क्वायर अछि तो वर्तमान ई 4x ला को मतलब सिंगल वेरिएबल को कन्वर्ट करे अछि मु कोन करबी ना पुट t इक्वल टू 4x सो dt / dx इज नथिंग बट व्हाट दिस इज योर 4 ओके सो dx इक्वल टू dt / 4 ओके तो बताओ मैंने पुट करी परिवार से dx ले जाता पुट करी भी ना dt by 4 divide by 5 plus स्क्वायर माइनस 4x ले जाता पुट करी परी मु t जो स्क्वायर ओके तो बताओ नेक्स्ट स्टेप देखो नेक्स्ट स्टेप हम कौन करी भी ये कंटिन्यू करी हाँ ना 1 by 4 बार को पढ़े इसको 1 by 4 yes or no then integration dt by 5 square minus t square okay dekhila vartaman ye two form ko padhe asila na sin dx by a square minus a square eti a kete 5x jare ke lela t jarela but dita sara standard form ko asila ki nahi to ya answer kete na sin inverse x by a to ya answer kete ye jo santya na 1 by 4 sin inverse t by a इधर के स्टॉल 5 तो sin inverse t by 5 plus constant so this is your 1 by 4 sin inverse t इधर के तक पुकारा मैं 4x 4x by 5 plus constant again this is correct वर्तमान कोबड़ा फॉर्म लिखबो टाइप 2 होची देखो ना dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओके dx by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
तो एमी तरफ कैंटी करेगा ना ए फॉर्म जैसे तो पाई होता है मॉड पुट करेगा ना पुट टी इक्वल टू टी नंबरी एक्स नहीं जाओ मैं या बहुत लोगों को इतनी ना एमी तरफ फॉर्म जैसे तो मॉड पुट करेगा ना पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस अच्छी ना एक्स का प्लस एस का हम पुट करेंगे कौन एक्स ए टैन थीटा सो दिस इज द डीएक्स वाई डी थीटा इक्वल टू ए sec square theta. So this is nothing but what? Dx equal to a sec square theta into d theta. Now, repeat karo. A sec square theta into d theta divided by x jaga kita put karo hame a tan theta ro square प्लस ए स्क्वायर दिस इज अ ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय ये तो हमारे कहते हैं जो रे ना ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ओके सो नेक्स्ट मु कौन करी के देखो ना ए टू बार को कॉमन करते पड़े ऐसे ना दिस इज ए sec स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा डिवाइड बाय एस का कॉमन बोले बाहर को प्रेस करते हैं जो सेटा ए इज वो क्या है तुम्हारा बिकॉज़ जी एस का कॉमन वाला बाहर को प्रेस कर जेड रूट ऑफ भीतर जी एस का बाहर को प्रेस करते हैं जो ए ये तो हम कहते हैं जो टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन ओके सो नेक्स्ट ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय ए इनटू सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कहते हैं sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू जी कहते तो ना sec स्क्वायर थीटा रूट ओवर सो दिस इज अ sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय a sec थीटा ओके नेक्स्ट राइट डाउन a a तुम्हारा कैंसिल sec थीटा कैंसिल बढ़िया कहते हैं ना sec थीटा इनटू d थीटा यार पूर्व में हमें कौन फॉर्मूला बाहर करी चे ना ये लास्ट चैप्टर पढ़ी थी sec थीटा और कहते हैं वो इंटीग्रेशन ना ln sec थीटा प्लस tan थीटा ये सब लो ln sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कॉस्टर क्लियर तो नेक्स्ट देखो 8 में कौन पाई करेगी ना 8 में तो मिली बो tan थीटा इक्वल टू x बाई a एंड थीटा इक्वल टू tan इन्वर्स x बाई a ओके तो हम जो भी जोड़ा दरकार पिट पुट कर रहे थे तो a इक्वेशन से हम कौन दरकार थीटा दरकार नहीं बिकॉज हम आंसर मिल चुका कौन ना ln sec थीटा प्लस tan थीटा तो tan थीटा लिखते हैं वहां पर x by a बिकॉज़ क्वेश्चन थीटा कर देंगे क्वेश्चन को आकर दे छी ना हम जो हम फार्मूला बाहर को दिस इज x ऑफ a फॉर्म रे तो जब हम थीटा मिली छी ना इसी पे हम tan थीटा कहते मिले हो तो tan थीटा हो छी x by a ये सब नो ए हमें जानी छे कोनो ना sec स्क्वायर थीटा हो छी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ओके सो sec थीटा कहते मिले हो तुमको ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रो रूट ओवर ओके सो दिस इज अ 1 प्लस tan थीटा वैल्यू कहते x by a सो x by a रो स्क्वायर क्लियर तो या कोई हमें यदि एलसीएम नहीं जा कहते इधर है दिस इज अ 1 प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर रो रूट ओवर एंड दिस इज अ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओके रूट ओवर एंड बाहर को पड़े हो कहते तब 1 बाय a ओके तो बर्तन में एक रूप पुट कर दी बेटी sec थीटा कहते मिला रे 1 by a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर सो आई कैन राइट डाउन हियर ln sec थीटा कहते लिखवे ना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर डिवाइड बाय a प्लस tan थीटा कहते पाई लो x by a दिस इज हियर x by a ओके तो नेक्स्ट कर लीवे ना यार एलसीएम नहीं जो हमें सो एलएन एक और दीजिए एडा कॉमन इज तो हमारा सीजर ए ओके
ऊपर कहते हैं जीवो ना x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x ओके प्लस कांस्टेंट क्लियर देन दिस इज अ फार्मूला ना ln जेते डिवाइड थिवो तले ln ऑफ दिस माइनस ln ऑफ दिस इज तुम जानते लॉगरिथमिक फंक्शन ln ऑफ दिस ये तो डिवाइड अछि दीटा फंक्शन ओके नहीं डिवाइड इज कोनिक परिमो ना ln x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर माइनस ln a प्लस c ओके तो फाइनली आप कौन पाइले ना ये भी तुम्हारा कोटे कांस्टेंट ये भी तो तुम्हारा कांस्टेंट तुमको आउट ए नया कांस्टेंट मिलियो तो दिस इज ln x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर सो प्लस k सो दिस इज अ न्यू कांस्टेंट एंड दिस इज अ व्हाट formula okay finally our formula come by and dx by x square plus a square root over answer come by ln x square plus a square root over plus so this is a formula a type of formula of here the bottom one got a question kariba a type and question kariba dekho ना cos थीटा d थीटा by 4 sin square थीटा plus 1 ओके तो वर्तमान में ए क्वेश्चन तक ए फॉर्म रे ट्रांसफर करिबा देखो दी x जगह कोन छी 4 sin square थीटा तडी गोटी वेरिएबल रहबा दरकार एंड इठी a स्क्वायर इठी a रहबा दरकार इठी केते छी 1 अछि क्लियर तो ताको हम ट्रांसफर करिबा देखो कोन करा जे करियो ना cos थीटा d थीटा डिवाइड बाय मुझे जी कॉमन यूज़ ची 4 कितने मिलियो मते ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 4 ओके ऐसी कॉमन एक लोग फॉर्मूला दी मिलियो कि नहीं नेक्स्ट 4 बाहर कौन है सब 4 बाहर कौन से कितने जी वो 1 बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 by 0 स्क्वायर ओके नेक्स्ट देखो बतवन ये sin² थीटा या ठीक x² अछि sin² थीटा एथि x² तो ए sin थीटा रे हम बहुत कन्वर्ट कर देवा न गुटे सिंगल वेरिएबल रे एथि कांस्टेंट a जा केते मिलला मते न a² एथि मिलला 1 by 2 रो स्क्वायर सो 1 by 2 मते मिलि जाइछि a मिलि जाइछि नेक्स्ट हम कोन करबी न देखो पुट t equal to sin theta so dt by d theta equal to how much sin theta ready kate cos theta so dt equal to what cos theta into d theta so dt equal to how much cos theta into d theta so cos theta into d theta kate put karimo dt put kari clear so mate kate milo dekho na cos theta d theta hochi dt divide by 1 by 2 1 by 2 बाहर को पढ़े सो 1 by 2 cos theta d theta कितने का d t sin theta कितने का है जी t so sin square theta जी कितने जो t square plus 1 by 2 रो square रो root over okay so 1 by 2 into what one यार formula को डाइज वही डाल वो कि नहीं कितने लिख पड़ी हूँ ln t plus t स्क्वायर प्लस 1 by 2 रो स्क्वायर रूट ओवर प्लस कांस्टेंट ये सब नो नेक्स्ट 1 by 2 ln t जरे कितना पुट करिमो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 by 4 प्लस कांस्टेंट सो दिस इज हियर फाइनल आंसर ओके सो नेक्स्ट टाइप 3 dx / x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर ओके तो या पूर्व में तुम कहि थे जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर थी सकरा में कौन पुट करिवा ना पुट करिया में कौन ना पुट t इक्वल टू a से
theta is here, A sec theta replicate. Now sec theta into tan theta. Okay. So put one D put for one X. Okay. Put X equal to A sec theta. So dx by d theta. Okay, okay. So dx equal to A sec theta into tan theta into d theta. Okay. Dx will put for A sec theta into tan theta into d theta divided by. X will look at that. A sec theta square minus square. Yes or no? So this is a sec theta into tan theta into d theta divided by a to kate pade so a square common bar to kate kate jo tomaro this is 1 by a into a star common nahi lo theta term lo to bhitar kate rahe ho tomaro na sec square theta minus 1 this is a 1 by a so I can cancel here also A cancel, okay. So sec square theta minus 1 sec square minus sec square theta minus 1 का formula tan square theta, okay. तो लिखी पड़ी हम sec theta into tan theta d theta divided by sec square theta minus 1 कहते हैं जो tan square root over कहते हैं ना tan theta, okay. So tan theta cancel. Sec theta into d theta. Clear? So sec theta into d theta हमको कौन मिली हो? ना sec theta into d theta हो ची. ln sec theta plus tan theta plus constant. देखो sec theta ये कितना पुकारे हमने x by a. So ln x by a plus tan theta theta put koi parivo na tan theta hochi sec square theta minus 1 no root over so you can write here sec square theta minus 1 sec theta kete na x by a to eta kete jo x by a square minus 1 plus constant. So this is your ln x by a plus LCM x square minus a square root over LCM कहते हैं जो तो a square थोड़े root over है वो कहते हैं जो a जो root over particle है so this is your plus constant so here I can write ln a x plus x square minus a square root over plus constant, okay. So, वर्तमान ये ln eta by eta theta function divided ची, तब अगर कौन बनी वो ln of this minus ln of this, okay. तो लेकिन बनेगी ln x plus x square minus a square, okay. minus ln a plus c. तो वर्तमान a theta मिसी की मतलब ने नया constant देवे कि नहीं. तो फाइनली तो लिख पड़ी भी ln x plus x square minus a square plus constant this is your answer okay ये फॉर्मूला में आंसर कौन पाएगा ये फॉर्मूला ln x plus x square minus a square root over plus constant so this is your new formula okay So this is your new formula. Okay. तो बताओ एक formula को base करके हम लोग question करेंगे बहुत simple question. X plus 5 divided by x square plus 6x minus 7. This is the root over. Okay. Dx. Clear? देखा तेरे typical question हो चीन. एक के निकालना चाहिए ओके बड़ा मतलब सॉल्यूशन करेगा
एई फॉर्म को आया पे चेष्टा करबा तो फर्स्ट कंजर्वेटिव फॉर्म भांगी दो हमें x plus 5 divided by a plus b the whole square formula को कोई दियो वो लेख पेरी मो ना x square plus 2ab 2a जारे काको लेख पेरी मो x b जारे काको लेख पेरी मो 3 ये लगने x square plus 2ab 2ab 6x से गला 2ab plus b square मते पको यह पोड़ी मो ये सब मो b square के 3 square के 3 जिवो 9 तम लेखी पर लिखेते 9 लेखी पर भी यदि गोटी हम 9 ऐड को ठीक पुनी आउट है माइनस 9 का ऐड नहीं पड़ेगा बिकॉज़ 87 तो वो 9 दे ही नहीं आगे नहीं तो 9 ऐड कर ली पुनी माइनस 9 ऐड कर ली क्वेश्चन में जी माइनस 7 ओके सो दिस इज द x plus 5 डिवाइड बाय देखो वर्तमान a एथी की ना कहां रहो होल स्क्वायर ना x plus 3 the whole square yes or no minus 9 साथ के देखेला minus 9 minus 7 minus 16 okay so next I can write here x plus 5 लेख पर लिखते हैं no ना x plus 3 plus 2 yes or no so divide by next लेखी पर भी x plus 3 the square minus 16 लेखते लेखी पर भी 4 the square okay तो नेक्स्ट अब वर्तमान मो या को दीटा पार्ट में कन्वर्ट कर दो छी मते लिखी पारी भी x plus 3 डिवाइड बाय x plus 3 रो स्क्वायर माइनस 4 रो स्क्वायर 1 पार्ट ओके आउरे पार्ट मते मिली गला dx लिखा प्लस 2 बाय x plus 3 रो स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ओके नेक्स्ट काम पर कहां को हमें पुट करबा या को पुट कर दियो टी पुट टी इक्वल टू x प्लस 3 सो dt बाय dx इक्वल टू 1 सो dt इक्वल टू हियर dx ओके सो नेक्स्ट ये पुट करो तो ये हो ना x प्लस 3 dt t dt डिवाइड बाय x plus 3 is equal to d square minus 16 plus 2 dt divided by t square minus 4 square root of okay next काम करो next one परिवार में रुटे मिनट क्या को i बन नहीं था ये तो नेट डिस्टेंस कर रहा था हमको क्या को नेट डिस्टेंस कर रहा था कि नहीं so let i बन equal to t dt t square minus 16 the root over i2 equal to 2 dt divided by t square minus 4 square root over so ये वो इंटीग्रेशन कर रहा है आपको ये वो इंटीग्रेशन कर रहा है आपको लेकिन i1 क्या को लेकिन कौन i ओके सो i1 बहुत हम सॉल्यूशन कर रहा है फर्स्ट ना t dt divided by t square minus 16 एटी देखिला जदी आमे भीतरटा को इंटीग्रेशन लावा भीतर भीतर को डेरिवेटिव नेले हमको टी मिलुछि बिकॉज़ भीतर डेरिवेटिव टी मिलिबो ये सब न त कोन करबा अगेन पुट टी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू वन नेट पुट यू इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 16 सो डी यू बाय डीटी इक्वल टू टी स्क्वायर डेरिवेटिव तो टू टी ओके 16 डेरिवेटिव 0 So, du by 2 equal to t dt. Okay. The next, if you put for the t dt by gram, get the du by 2. So, t square minus 16 one is a u. Okay. U root over. So, bahar ko pahila get the 1 by 2. Then, ye get the ilata mara. Du by u root over. So, next, let's put in 1 by 2. U to the power minus 1 by 2 into du yes or no in the other formula apna jani chha u to the power minus 1 by 2 kar standard formula aila tha bolo na x to the power n so 1 by 2 into x to the power n formula apna tha x to the power n plus 1 hum likh pare u to the power minus 1 by 2 plus 1 by minus 1 by 2 plus 1
okay, plus C1, first at 1, yes or no? So next here I can write down the power minus 1 by 2 plus 1. So minus half plus 1, kete mili hamko 1 by 2, minus half plus 1, kete mili go 1 by 2. So like divide 1 by 2 into u to the power 1 by 2 divided by 1 by 2, okay, plus C1. So next kete lik pari mo. Now next is your e 1 by 2, e 1 by 2. This is cancel again. Get a minimum of u to the power 1 by 2 plus c1. Okay. So u get a minimum of t square minus 16 plus c1. Okay. Again, t get a minimum of x plus 3. So this is your what? X plus 3 square minus 16 plus c1. Okay, x plus 3 square minus 16 plus c1. Next, चलो इतनी की पार्ट लिखी जा समझते हैं. Next मो आगे को बढ़ो जी, क्लियर? Okay, तो देखो आप पहले हमें यहाँ को पढ़ लीजिए, कितने मिलेगा हमको ना x square plus 6x plus 9 minus 16 plus c1. So this is your x square plus 6x minus 7 plus c1. Okay. Next bar we have I2. I2 how much time is left? I2 how much time is left? And this is your I2. Yes or no? I2 how much time is left? Now 2 dt by t square minus 4 square root over integration. Yes or no? 2 bar to prayasu. So dt by t square minus 4 square integration, okay. Then this is your standard formula, t square x square achi, eti a square achi, eti on keta achi 4 square, then formula name poketa burtan 2 into ln t plus t square minus 4 square root over plus c2. So 2 into ln t jaya ta formula mein x plus 3 plus x plus 3 square minus 4 square. I2 will add the key. Yes or no? This is your I1. Next time, come on, come on. Then answer the thing you final answer will be. Final answer will be. So, a total integration I equal to the thing I1 plus I2. Clear? So, I1 get I1 how much? X square. Plus 6x minus 7 plus c1. Yaar rehte hai gala na 2 ln 2 ln x plus 3 x plus 3 x plus 3 plus x plus 3 square minus 4 square root over plus c2. Okay, so c1 plus c2 dua constant ko pai ho. So, x square plus 6x minus 7 plus 2 ln x plus 3 plus x plus 3 square minus 4 square plus constant. So, this is your answer.